ग्राम पंचायत नरखेड़ा थाना व ब्लॉक मुंडा पांडे में फिर गरीब का घरौंदा गिरने का मामला सामने आया है। मौसम बरसात से कमजोर हुए घरौंदे अभी तक गिर रहे हैं और कोई भी उनकी सहायता करने के लिए उनके पास नहीं पहुंच रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नरखेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब नईम नामक व्यक्ति का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया और ईश्वर की कृपा रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नईम निवासी नरखेड़ा ने बताया कि मैं मेहनत मजदूरी का कार्य करता हूं और मेरे 8 बच्चे हैं जिसमें 5 लड़कियां और 3 लड़के हैं। मेरे अलावा मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है और मैं कई बार ग्राम प्रधान व ब्लॉक मुंडा पाड़ने में सहायता के लिए पहुंचा, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की और ब्लॉक अधिकारी व ग्राम प्रधान ने बहला फुसलाकर के मुझे भेज दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सरकार से आवास योजना का लाभ मिल जाए ताकि वे अपने कच्चे मकान को सही प्रकार से निर्माण करा सके। याद रहे कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार आवास योजना के द्वारा गरीबों को लाभ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो बहुत से गरीब लोग आवास न मिलने से या फिर आवास गिरने से परेशान हैं। आखिर कब इन गरीबों को आवास मिलेंगे? मेरा नईम नाम है जी, नरखेड़े का रहने वाला हूँ। ब्लॉक भी गए हम साहब, ब्लॉक कई फेर ही गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कैसे भी गरीब आदमी है इसी तरह की। अब ये धूप पड़ी है तो ये मकान गिर गया, हमारा गिर गया, चोट पोट हमारे पैर में आ गई। हम खड़े थे ऊपर, नीचे गिर गए, नीचे हो गए। किस टाइम मकान गिरा था? ऐसे 10:30-11 बजे का टाइम है, रात का। चारपाई भी ऊपर ही हैगी हमारी। कितने बच्चे सोने चढ़े सोने ऊपर? बच्चे कितने हैं? बच्चे 8 हैं हमारे पास। कमल लड़की? 5 लड़की हैं, 3 बेटे हैं। कमाने वाले हुए? कमाने वाले छोटे छोटे ही हैं तीनों बेटे। अच्छा, आप क्या चाहते हो साहब? हमें थोड़ी बहुत इमदाद चाहिए, ये मकान वकान बन जाए जैसे भी है। ये गरीब आदमी है, इतने पैसे तो हैं नहीं हम पे। अच्छा, ग्राम प्रधान से कभी आपने शिकायत की? शिकायत करी ग्राम प्रधान से भी, पहले भी करी थी, पहले कुछ नहीं हुआ। आप जो करिए तो प्रधान कह रहा है विकास नहीं आ रहा, तो मैं कहाँ से करूँ। ये अच्छा कि ब्लॉक में अधिकारियों से आपने को लिखित में शिकायत करी थी? लिखित में तो नहीं करी है, वैसे ही गए थे हमने, शिकायत करी। अब लिखित मांगे, वो जब मांगेंगे जब भी तो देंगे उन्हें। उधर जाऊँ उधर भेज दें, उधर को जहाँ तो उधर कह दें कि वो देखेंगे उधर का। आप क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं भैया, जैसे भी है गरीब आदमी है, थोड़ी बहुत इमदाद मिल जाए तो इसे बना लें हम, आवास मिल जाए। हाँ, आवाज़ मिल जाए।